वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें जो ये वर्ड है फंडामेंटल, इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ का जो सबसे नेसेसरी बेस होता है, यानी किसी भी चीज़ का कोई आधार वो, और यूनिट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का जो सबसे छोटा कंप्लीट पार्ट होता है उसे हम यूनिट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में सेल को लाइफ का फंडामेंटल यूनिट बताया गया है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल से ही मिलके बने होते हैं, या फिर खुद एक सेल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें हम लिविंग बोल देते हैं। तो सेल के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से छोटा कोई भी अगर हम पर एंटिटी है, तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या ये इंडिपेंडेंटली लिविंग कहलाया जा सकता है। सेल जो है वो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर सेल से ही मिलके बना है, और उनके अंदर इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं वो सभी सेल्युलर लेवल पर ही होते हैं। तो इसलिए हम सेल को द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। की डिस्कवरी के बारे में ये बात है 1665 की, जब रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ट्री से कॉर्क स्लाइस को कट किया। वो उस कॉर्क स्लाइस की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। कॉर्क स्लाइस का यूज़ बोतल कैप्स में होता है और वो पानी में फ्लोट करता है, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसी वजह से रॉबर्ट हुक उस कॉर्क स्लाइस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहते थे। रॉबर्ट हुक के पास एक उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था, वो 1665 का एक बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। तो जब उन्होंने अपने इस कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें उसके अंदर एक हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखा, जो छोटे छोटे से कमरे जैसे स्ट्रक्चर से मिलके बना था। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे, इनका नाम उन्होंने सेल्यूला दिया। सेल्यूला का लैटिन लैंग्वेज में मतलब होता है लिटिल रूम या फिर लिटिल कंपार्टमेंट। तो यहीं से सेल की डिस्कवरी स्टार्ट होती है, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी। रॉबर्ट हुक इंटेंशनली सेल की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ कॉर्क की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसमें सेल दिखाई दिए। ये जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए, ये प्लांट के डेड सेल थे, ये सेल लिविंग नहीं थे। जैसा कि हमें पता ही है कि कॉर्क के जो ये सेल होते हैं, जो पेड़ के बार्क आ जाता है पेड़ एक ट्री के ऊपर, वो डेड सेल्स होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर ये डेड सेल देखे। तो जब हम इस डिस्कवरी को देखते हैं, तो हमें बहुत ही सिंपल और इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी लगती है, पर ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि इस सेल के डिस्कवर होने के बाद ही हम सबको पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी सेपरेट यूनिट से मिलके बने होते हैं। इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई इसकी डिस्कवरीज में। 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉग, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपने पास के एक तालाब से एक पानी का छोटा सा सैंपल लिया। उस सैंपल को जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, और इनका जो ये माइक्रोस्कोप था ये रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से काफ़ी हद तक एक एडवांस माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे लिविंग एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया। ये जो सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे ये लिविंग एनिमल सेल्स थे, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल थे। तो अगर क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, वो रॉबर्ट हुक ही थे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉग है। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, जो एक सेल का कोर पार्ट होता है सेंटर में मेनली। इसके बाद 1839 में पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी फ्लूड सब्सटेंस होते हैं उनका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, कि सेल के अंदर जितने भी फ्लूड सब्सटेंस होंगे इन सबको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे।
हेकेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये सेल का जो न्यूक्लियस होता है यही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं उन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सारे न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होते हैं और जब सेल डिवाइड करता है दूसरे सेल्स बनाने के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो नए सेल्स बनते हैं उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट हेकेल ने दी इस टॉपिक पे जो कि है सेल थ्योरी। श्लेडन जो एक साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे वो जर्मनी के, उन्होंने 1838 में बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल्स के मिलके बने होते हैं। इसी के एक साल बाद 1839 में शॉन थे, वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, कुछ बुक्स में उन्हें जर्मन जूलॉजिस्ट बताया गया है पर ये रॉन्ग है, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे वो। उन्होंने भी सेल्स पर अपनी डिस्कवरीज करी और उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं उन सबके ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल होते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल वॉल। ये दोनों बातें शॉन ने बताई। तो इन दोनों की स्टडीज को मिला के एक हमने नई थ्योरी बनाई, सेल थ्योरी, जो कहती है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि यानी जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सभी सेल के मिले सेल मिलते हैं और जब ये सब एनिमल्स एंड प्लांट्स बने होते हैं। इसके बाद ये थ्योरी एक्सपेंड करती गई 1885 में, तो रिडोल्फ वर्क को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड करके बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो जो पुराने सेल्स हैं उनको वो डिवाइड करते हैं और वो नए सेल्स बनाते हैं। तो अब सेल थ्योरी के हम पे दो पोस्टुलेट्स हो गए, पहला ये कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा, इस एक्टिविटी से हम सेल्स को और अच्छे से समझने में हमें फायदा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अनियन बल्ब लेते हैं। अनियन हम सब जानते ही हैं, बल्ब जो होता है वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है। बल्ब के बारे में हम डिटेल्स में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस अनियन का हमने एक छिलका लिया और उसकी जो कॉनकेव साइड होती है यानी अंदर की साइड, उसमें से उसके एपिडर्मिस का यानी उसकी जो बाहर वाली एक लेयर होती है बहुत ही पतली सी, उसे एक फोर्सेप की मदद से वहां से निकाल लिया। फोर्सेप जो होती है वो ये होती है, इसे फोर्सेप कहते हैं। इसके बाद हमने जो ये पील करके इसे वहां से निकाला, इसे हम एक वॉच ग्लास में पानी डालकर उसमें डाल देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे और ये सूखे ना। तो वॉच ग्लास जो है, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे वॉच ग्लास कहते हैं। इसमें अंदर की साइड एक थोड़ा सा डिप्रेशन बना होता है जिसमें हम पानी रख सकते हैं। इसके हम एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर हम इसे माउंट करेंगे। इस ग्लास स्लाइड पे हम थोड़ा सा वाटर डालते हैं और ये जो हमने पील अनियन पील लिया है इसका एक बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा कर एक ब्रश की हेल्प से उस पर रख देते हैं। इसके बाद हम उस पर सेफ्रेनिन स्टेन लगाते हैं। सेफ्रेनिन जो है ये एक बायोलॉजिकल स्टेन है, ये जो है बायोलॉजिकल, जब हम किसी भी स्पेसिमन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, उस पर अटैच हो जाता है तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर वो और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होती है। तो हमने सेफ्रेनिन स्टेन लगाने के बाद इसे एक स्लिप से कवर कर दिया, कवर स्लिप रख दी इसके ऊपर एक माउंटिंग नीडल की हेल्प से, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना बने, क्योंकि अगर इसमें बबल्स बनेंगे तो फिर ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमें विजिबल नहीं होंगे सेल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कवर स्लिप कहते हैं और ये माउंटिंग नीडल है। ये सब करने के बाद अब हमने अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें दिखने को मिलता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें कंपार्टमेंट्स जैसे दिख रहे हैं ये सब सेल्स हैं और ये बीच में डॉट्स जो हैं ये इनका न्यूक्लियस।
ये सारे सेल्स सिमिलर साइज के होते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी साइज का अनियन पील का सैंपल किसी भी साइज का आप स्लाइड में लो, पर ये जो सेल है ये सभी आपको एक ही साइज के मिलेंगे। और ये मैंने यहाँ पर टेम्पररी माउंट की डेफिनेशन लिखी है, ये जो स्लाइड अभी हमने बनाई इसे हम टेम्पररी माउंट कहते हैं। टेम्पररी माउंट वो स्लाइड्स होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑब्जर्वेशंस के लिए बनाई जाती हैं, बनाने के बाद हम इन्हें फिर वॉश कर सकते हैं। और इसमें जो माउंटिंग मीडियम होता है वो मेनली लिक्विड ही होता है, जैसे अभी हमने अपनी स्लाइड में वाटर को एक माउंटिंग मीडियम की तरह यूज़ किया था। तो इस लेक्चर में आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेल थ्योरी को पढ़ा, और फिर हमने इस एक्टिविटी का एक ओवरव्यू लिया, और हमने टेम्पररी माउंट के बारे में पढ़ा। आगे के टॉपिक सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।